नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चाकू दिखाकर गाड़ी छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम असलम काजी असर बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घर क्रमांक 697B भानखेड़ा मोमिनपुरा निवासी फिरियादी मोहिजुल हक येनुल हक अंसारी अपनी पल्सर गाड़ी क्रमांक 495604 से जरीपटका परिसर के माया नगर इंदौरा स्थित मित्र अमन मोटघरे से मिलने आया था और उसके घर के सामने ही बैठकर वे दोनों बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर राजगृह नगर कांच कंपनी NIT गार्डन के सामने निवासी आरोपी असलम काजी अजहर काजी वहां पहुंचा और उसने मोहिजुल को पानी की टंकी के पास छोड़ने के लिए कहा। इस पर मोहिजुल ने उसे छोड़ने से इनकार किया तो आरोपी असलम ने फिरियादी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसके साथ ही अपने पास का चाकू निकालकर उसको गाड़ी के पास से पीछे हटने की धमकी देते हुए उसकी दुपहिया गाड़ी लेकर भाग गया। इस गाड़ी की कीमत 40,000 रुपये बताई गई है। इस घटना की शिकायत फरियादी ने पुलिस में की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 392 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आम्ही दरीपटका पोलीस स्टेशन येथे कार्यरत असून काल दिनांक 21/7/2021 रोजी दाखल गुन्हा पोलीस स्टेशन दरीपटका येथे 4/36/21 मधील फिर्यादीने फिर्याद दिली की त्यातील आरोपीत नामे असलम काजी हा फिर्यादी हा त्याचा मित्र या मायानगर इंदोरा दरीपटका या परिसरात भेटण्याकरता आला असता आरोपी सदर ठिकाणी आला आणि फिर्यादी याच्याकडे असलेली गाडी पाहून म्हणला की मला एका ठिकाणी सोडून ये, परंतु फिर्यादी सदर ठिकाणी सोडून देण्यास नकार दिला असता आरोपीने त्याच्या गालावरती मारून त्याच्याकडे असणारा चाकू दाखवला आणि फिर्यादीची गाडी सोबत घेऊन निघून गेला। फिर्यादी आणि सदर गाडीचा जरीपटका परिसरात माहिती घेतली, शोध घेतला, मिळून न आल्याने काल रात्री आपल्या पोलीस स्टेशन येथे येऊन तक्रार दिली। फिर्यादीने तक्रार दिल्याप्रमाणे आपण गुन्हा नोंद केलेला आहे। आरोपीचं नाव असलम काजी आहे। याच महिन्यामध्ये त्याच्यावरती पोलीस स्टेशन जरीपटका येथे 324 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। मी API धुमा, जरीपटका पोलीस स्टेशन, नागपूर।